स्टूडेंट SBN कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं विद्यालय संस्कृति प्रबंध और शिक्षक पुस्तक, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था डाइट। क्या चल रहा था? डाइट, जिसमें हमने जो राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान है उसके जो विभागों की बात की थी इससे पहले वाले वीडियो में, तो उस विभाग वो 7 की जगह कितनी है? 9 विभाग। कितनी है? 9 विभाग। जबकि हमने पिछले वाले वीडियो में बताए थे 7 विभाग, जबकि कितनी है? 9 विभाग हैं। 9 में से हमने 3 पढ़ लिया। चौथा विभाग हम पढ़ेंगे जिसमें है शिक्षक शिक्षा अनुभाग। शिक्षक शिक्षा अनुभाग विभाग 4, शिक्षक शिक्षा अनुभाग, शिक्षक शिक्षा अनुभाग जिसमें आता है सेवारत शिक्षक शिक्षा, सेवारत शिक्षक शिक्षा, सेवारत शिक्षक शिक्षा। दूसरा आता है प्राथमिक विद्यालय में सेवारत शिक्षकों के लिए, प्राथमिक विद्यालयों में सेवारत शिक्षक, प्राथमिक विद्यालयों में सेवारत शिक्षक शिक्षकों के लिए विशेष योजनाएं। और उसके बाद आते हैं कार्यक्रम SOPT। उसके बाद विभाग नंबर आता है 5, शैक्षिक आयोजन एवं प्रशासन अनुभाग। शैक्षिक आयोजन है एवं प्रशासन अनुभाग विभाग 5, शैक्षिक आयोजन एवं प्रशासन अनुभाग, यानी इस प्रशासन के द्वारा जो शैक्षिक आयोजन कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं उनके अनुभाग, जिसमें आता है शैक्षिक आयोजन आयोजना शैक्षिक प्रशासन, जिसमें आता है शैक्षिक आयोजन, दूसरा आता है प्रशासनिक आयोजन, तीसरा जो आता है वो आता है सामान्य प्रशासन, चौथा जो आता है वो आता है प्रबोधन। कौन सा आता है? प्रबोधन। पांचवा जो आता है प्रबोधन के बाद वो आता है पुस्तकालय कंप्यूटर सांख्यिकी। ठीक है, तो शैक्षिक अनुभाग जो सांख्यिकी जो विभाग नंबर 5 है, जिसमें शैक्षिक आयोजन है, प्रशासन अनुभाग है जिसमें शैक्षिक आयोजन होता है, प्रशासनिक आयोजन होता है, सामान्य प्रशासन के कार्य में डिवाइडेशन किया जाता है, प्रबोधन होता है, पुस्तकालय कंप्यूटर और सांख्यिकी होता है। विभाग नंबर जो 5-6 आता है वो आता है शैक्षिक प्रौद्योगिकी अनुभाग। विभाग छः शैक्षिक अनुभाग प्रौद्योगिकी अनुभाग प्रौद्योगिकी अनुभाग कौन सा आता है? शैक्षिक प्रौद्योगिकी अनुभाग, जिसमें दूरस्थ शिक्षा आती है, दूरस्थ शिक्षा आती है
जो ओपनली शिक्षा प्रणाली होती है दूर दराज के, जो जहाँ तक शिक्षा नहीं पहुँच पाती है वहाँ पत्राचार के द्वारा जो एजुकेशन दिया जाता है वो इसी शैक्षिक प्रौद्योगिकी के अनुभाग के द्वारा होता है। ठीक है, दृश्य श्रवण सामग्री चित्रण एजुकेशन इसी में आता है। इसके अलावा नई शैक्षिक प्रौद्योगिकी की योजना आती है, नई शैक्षिक प्रौद्योगिकी की योजना आती है, नई शैक्षिक प्रौद्योगिकी की योजना आती है। नंबर 4 आता है, वो आता है क्लास प्रोजेक्ट आता है, क्लास प्रोजेक्ट प्रणालियाँ आती है। इसका मुख्यालय अजमेर में है। क्लास जो कंप्यूटर क्लास प्रोजेक्ट योजनाएं हैं इन सब का मुख्यालय कहाँ है? अजमेर में, राजस्थान में कहाँ है? अजमेर में। तो विभाग 6। विभाग 7वां है शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रसार सेवा अनुभाग, शैक्षिक अनुसंधान विभाग 7, शैक्षिक अनुसंधान प्रसार, शैक्षिक अनुसंधान प्रसार सेवा अनुसंधान, सेवा अनुसंधान, सेवा अनुभाग, सेवा अनुभाग आता है। ठीक है, शैक्षिक अनुसंधान प्रसार सेवा अनुभाग, इसमें आता है शिक्षा अनुसंधान प्रसार सेवा, इसमें आता है शिक्षा अनुसंधान सेवा प्रसार, इसमें क्या आता है? सेवा प्रसार आता है। इसके अलावा प्रकाशन आता है, प्रकाशन 1, 2, 3, ये इसमें विभाग नंबर 7 में आते हैं। उसके बाद आता है विभाग 8। विभाग जो 8 आता है उसमें आता है अनौपचारिक वंचित वर्ग की शिक्षा अनुभाग, अनौपचारिक वंचित वर्ग की शिक्षा अनुभाग, जो पिछड़े हुए हैं, जो अनौपचारिक एजुकेशन के सिस्टम में आते हैं उसमें विकलांग एकीकृत शिक्षा आती है, विकलांग एकीकृत शिक्षा, विकलांग एकीकृत शिक्षा आती है। नंबर 2 है, वो है महिला समानुपात शिक्षा, महिला समानुपात शिक्षा, महिला समानुपात शिक्षा आती है। नंबर 3 आती है अनौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा प्रणालियां आती है। उसके बाद विभाग नंबर 9, विभाग कौन सा रह गया? लास्ट का 9वां विभाग, जिसको कहते हैं शिक्षा क्रम एवं मूल्यांकन अनुभाग, शिक्षा क्रम एवं मूल्यांकन अनुभाग, मूल्यांकन अनुभाग, विभाग 9 शिक्षा क्रम एवं मूल्यांकन अनुभाग, जिसमें आता है मूल्यांकन पूर्व प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा। तीसरा आता है गुरु मित्र। चौथा जो आता है वो आता है शिक्षा क्रम एवं निवास,
शिक्षा क्रम एवं न्यू अस, ये कितनी डिवाइडेशन हो गई, नौ डिवाइडेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। राज्य जो शैक्षिक प्रणालियां हैं उस राज्य शैक्षिक प्रणालियों में हम विभागों के बारे में पढ़ रहे हैं जिसके नौ विभाग थे। राज्य शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान जिसके कितने विभाग थे, नौ विभाग थे, और नौ विभागों में हमने तीन पढ़ लिया था। चौथा विभाग था आपका शिक्षक शिक्षा अनुभाग, यानी जिसमें सेवारत शिक्षक शिक्षा है, प्राथमिक विद्यालय सेवारत शिक्षकों के लिए है, यानी ये किन विभाग बांटा गया, शिक्षक शिक्षा अनुभाग बांटा गया, यानी शिक्षक शिक्षा के लिए कार्य का संचालन। तो पांचवा है शैक्षिक आयोजन एवं प्रशासन अनुभाग, जिसमें शैक्षिक आयोजन शामिल किए जाते हैं, प्रशासनिक, सामान्य प्रशासनिक, प्रबोधन, पुस्तकालय, कंप्यूटर और सांख्यिकी, ये इस विभाग में कार्य संचालन किए जाते हैं। विभाग नंबर सात है, छः इधर देखो छः, विभाग नंबर छः शिक्षक प्रौद्योगिकी अनुभाग। शिक्षक प्रौद्योगिकी का मतलब होता है आई टी क्षेत्र में आते हैं, दूरस्थ शिक्षा प्रणाली आती है, दृश्य श्रवण सामग्री आती है, नई शैक्षिक प्रौद्योगिकी की योजना आती है, और क्लास प्रोजेक्ट इसमें शामिल किया जाता है, यानी कक्षा के प्रोजेक्ट इसमें शामिल किए जाते हैं, नई शैक्षिक प्रौद्योगिकी की योजना इसमें शामिल की जाती है, जो ऑडियो वीडियो हैं वो सामग्री इसमें की जाती है, पत्राचार शिक्षा की प्रणाली आयोजित की जाती है। उसके बाद विभाग नंबर सात हैं शैक्षिक अनुसंधान प्रसार सेवा, जिसमें शिक्षा अनुसंधान आता है, सेवा प्रसारण आता है, और प्रकाशन का कार्य इस विभाग के द्वारा संचालन किया जाता है। विभाग नंबर आठ है अनौपचारिक वंचित वर्ग शिक्षा अनुभाग, जिसमें विकलांग एकीकृत शिक्षा प्रणाली आती है, महिला समानुपातिक शिक्षा आती है, अनौपचारिक शिक्षा इसमें शामिल की जाती है। विभाग नंबर नौ आता है शिक्षा क्रम एवं मूल्यांकन अनुभाग, जिसमें पहला आता है मूल्यांकन करवाया जाता है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा का कार्य किया जाता है, गुरु मित्र कार्य संचालन किया जाता है, और शिक्षा क्रम एवं निवास का कार्य इसमें आयोजित किए जाते हैं। तो इस प्रकार से राज्य शैक्षिक अनुसंधान संस्थान के कितने विभाग हैं, नौ विभाग हैं, ठीक है। उसके बाद है वर्तमान में राजस्थान के सभी 33 जिलों में डाइट स्थापित है, यानी वर्तमान में जितने भी 33 जिले हैं राजस्थान के, उन 33 जिलों में डाइट स्थापित है। डाइट प्रभाग निम्न अनुसार है। पहला प्रभाग है वो है सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा प्रभाग, सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा प्रभाग, यानी सेवा पूर्व जो शिक्षक शिक्षा प्रभाग है वो। उसके अलावा है कार्य अनुभव प्रभाग, जिला संदर्भ इकाई प्रभाव, सेवारत कार्यक्रम, क्षेत्रीय क्रियात्मक नवाचार समन्वय प्रभाव, पाठ्यक्रम सामग्री विकास कार्यक्रम, शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रभाव, योजना एवं प्रबंध प्रभाव। इस प्रकार के कितने प्रभाग हैं डाइट के, सात प्रभाग हैं जो अलग अलग प्रकार से अपने कार्यों को संचालन करते हैं, ठीक है। जिसमें जो इनका पद क्रम है प्रभागों का, उसमें कौन कौन शामिल होते हैं, प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, वरिष्ठ व्याख्याता, व्याख्याता, लेखाकार, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक, तकनीकी और पुस्तकालय अध्यक्ष। इस प्रकार से डाइट के सात प्रभाग होते हैं जिनके अलग अलग कार्य होते हैं, यानी डाइट जो हमारे यहाँ 33 जिले हैं, उन 33 जिलों में डाइट स्थापित हैं, डाइट अपना कार्य करती है 33 जिलों में, ठीक है। इसमें प्रधानाध्यापक होता है, उप प्रधानाध्यापक होता है, इसके अलावा जो वरिष्ठ व्याख्याता होता है, व्याख्याता होता है, व्याख्याता के अलावा जो लेखाकार होता है, लेखाकार के अलावा कनिष्ठ जो LDC होता है वो होता है, इसके अलावा जो कार्य को वरिष्ठ लिपिक होता है, इसके अलावा कनिष्ठ लिपिक होता है, कनिष्ठ लिपिक के बाद आता है तकनीकी सहायक आता है, उसके बाद आता है पुस्तकालय, ठीक है। इस प्रकार से इसमें सदस्यों का कार्य क्या किया जाता है, संचालन किया जाता है, यानी एक स्कूल की जो व्यवस्थाएं हैं तो उसी प्रकार की व्यवस्थाएं एक डाइट की होती है, डाइट उसी प्रकार कार्य करता है जैसी प्रकार एक विद्यालय कार्य को संचालित करता है, लेकिन वो कार्य को एक शैक्षिक प्रवृत्ति के आधार पर कार्य का संचालन करते हैं। तो इस प्रकार से डाइट को कितने प्रभागों में बांटा गया है, प्रभाग सात प्रभाग में बांटा गया है, जिसके अलग अलग कार्य हैं, यानी किस प्रकार से वो डाइट कार्य संचालन करती है या डाइट का क्या क्या कार्य है वो पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।